नमस्कार दोस्तों, मैं अजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक चर्चा के पहले एपिसोड में। और दोस्तों, आज से फाइनली मैं शुरू कर रहा हूँ टेक न्यूज के लिए एक नया सीरीज, और इस सीरीज का ये पहला एपिसोड है। और इंटरेस्ट पे सुनने को बहुत सारा इंटरेस्टिंग न्यूज मिलेगा जो कि दूसरे न्यूज रीडर से डिफरेंट होगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले न्यूज से। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला न्यूज है और वो है कि कास्पर स्काई का नया ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया है। मतलब कास्पर स्काई जो एंटीवायरस निकालता था वो कंपनी, उसने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी नया निकाला है। और कुछ प्रीव्यू, कुछ इमेज आई है सामने में, वो देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है कि एयर सेल्फी कैमरा। एयर सेल्फी कैमरा जो है वो ऐसे ही कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया था कि एयर बार से रिलेटेड, जो आपको किसी भी लैपटॉप जो है जनरल लैपटॉप को टच स्क्रीन लैपटॉप में कन्वर्ट कर सकता है, इसी कंपनी का एयर सेल्फी कैमरा करके एक कैमरा निकाला है, जिसके थ्रू आप क्या है कि हवा से भी आप सेल्फी ले सकते हैं। ये है कि जैसे ड्रोन रहता है उस टाइप का ये रहेगा, ड्रोन कैमरा कह सकते हैं कि सिंपल ड्रोन कैमरा, लेकिन पब्लिक के लिए है कि सस्ता में आपको मिल जाएगा, ज़्यादा हाइट तक नहीं जाएगा, लेकिन आप बस वायरलेसली काम कर सकते हैं, आपको सेल्फी स्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा न्यूज है दोस्तों, वो है मार्वेल और नेटफ्लिक्स, ये दोनों का बहुत सारे ऑफिशियल अकाउंट जो है ट्विटर अकाउंट वो हैक हो चुका है। और वो हैकिंग ग्रुप जो है उसका नाम आवरमाइन है। ये थोड़ा बैड न्यूज है। और एक गुड न्यूज ये है कि वन प्लस टू में जो है ऑफिशियली जो है ऑक्सीजन 3.5.5 अपडेट आ गई है। इसको आप अपडेट कर सकते हैं। इसे अपडेट करने के बाद आपको वोल्टी सपोर्ट मिल जाएगा। जो भी वोल्टी का फैसिलिटी है वो आप यहां से कर सकते हैं। अगर आप जियो सिम यूज कर रहे हैं तो वो आप कॉलिंग के लिए वोल्टी जरूरी होता है, तो अलग से एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, एक थोड़ा बैड न्यूज है, बैड न्यूज नहीं कर सकते हैं, जियो से रिलेटेड न्यूज है। और ये न्यूज ये है कि एयरटेल और बहुत सारे टेलीकॉम कंपनी ने ट्राई को नोटिस दिया है और बोला है क्या जो आप ये वेलकम ऑफर के बाद जो हैप्पी न्यू ईयर ऑफर अपग्रेड किए हैं उस पर बैन लगाइए, क्योंकि ये रूल्स रेगुलेशन के तहत सही नहीं है। आप 90 डेज के बाद नया नया ऑफर के नाम से नहीं दे सकते हैं, इससे उनके कस्टमर पे इफेक्ट पड़ता है, उनके बिजनेस पॉलिसी पे इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए ट्राई ने कहा कि ठीक है, जनवरी में, जनवरी 2017 में शायद 6 या 9 जनवरी को है नया सुनवाई है, उस सुनवाई के बाद ही डिसाइड कर पाएगा कि इसके आगे क्या करना है, ये एक्सटेंड करना है या एक्सटेंड नहीं करना है इसके बारे में। और इसके बाद आता है अगला न्यूज कि दोस्तों, एयरटेल ने ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज करके एक नया वी फाइबर करके लॉन्च किया है, जो 3 महीने तक ये भी बस जस्ट सेम एज जियो की तरह 3 महीने फ्री किया है। वो वी फाइबर कस्टमर को फ्री करेगा, ब्रॉडबैंड फैसिलिटी फ्री करने वाला। और इसका प्लान जो है 899 रुपया पर मंथ के हिसाब से है। और आपको सिंपली करना क्या है कि आप जनरल मॉडम जो है राउटर है उसको अपग्रेड करना है मॉडम को, और वी फाइबर मॉडम लगा लेना है। इसके बाद आपको 100 Mbps तक का स्पीड मिल सकता है और आपको 3 महीने तक फ्री भी मिलेगा। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो नीचे लाइक बटन लाइक कीजिएगा, कोई सवाल या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अभी तक एजेंट फॉर्म का सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।